गुरु बिना ज्ञान नहीं, गुरु बिना गति नहीं, माने आगे प्रोग्रेस ही नहीं हो सकता, गति ही नहीं है। तो गुरु का वरदान चार प्रकार से मिलता है। एक तो ज्ञान, ज्ञान मिलता है गुरु से, हमारा सुप्त चेतना और जागृत चेतना है, और इन दोनों के बीच में अर्ध सुप्त चेतना है, सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, और एक जागृत चेतना। ये तीनों चेतनाओं, ये त्रिपुरा, त्रिपुरा माने क्या, ये तीनों जागृत, स्वप्न और सुषुप्त, ये तीनों के मालिक होते हैं गुरु। अपनी मालिकी सिर्फ अपने जागृत चेतना में ही कह सकते हैं, वो होता तो नहीं है। जागृत चेतना में भी अपना मालिकी कहाँ होता है, लोगों को अपने ऊपर कोई कंट्रोल होता ही नहीं, अपने ऊपर कोई काबू पाते ही नहीं। मगर वो सुप्त चेतना और जागृत, ये तीनों जो चेतना, इसका जो मालिक है वही गुरु होते हैं। गुरु तत्व न होने से जीवन में ना कोई गति, ना कोई ज्ञान, ना कुछ हम प्राप्त कर सकते हैं। हमारी इच्छाओं की पूर्ति होना हो तो गुरु तत्व की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं अटके रहते हैं हम, इसमें अटक गए, उसमें अटक गए, राग में अटक गए, द्वेष में अटक गए, किसी के बारे में कुछ सोच सोच के अटक जाते हैं। इन सब अटकाव से आगे बढ़ना हो गुरु की आवश्यकता है। फिर कुछ भी प्राप्त करना हो जीवन में गुरु की आवश्यकता है। जीवन में मोक्ष पाना और गुरु के बिना असंभव है। तो इसलिए ज्ञान, गमन, प्राप्ति, मोक्ष के लिए गुरु की धारणा बहुत आवश्यक है। गुरु होने से जीवन में जीती गए, देर हो सकती है मगर अंधेरा नहीं है। गुरु होने से अंधेरा कहाँ होगा, देर हो सकता है, और देर होना अच्छा भी है कई बार। क्यों, हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाए ये तो नहीं संभव, क्यों कई बार हम अपनी इच्छा को बदलते रहते हैं। जो कल पसंद आया आज नहीं पसंद आता है, आज जो पसंद आता परसों नहीं पसंद आएगा। तो इसलिए हमारे लिए जो उचित है वही हमको गुरु देते हैं। तो गुरु होने से कर्म कटते हैं, जीवन में ज्योति जगती है, जीवन ज्योति है ये समझ में आती है, और मुक्त हो जाते हैं अंदर से। ऐसा एक स्वतंत्रता, स्वाधीनता, प्रसन्नता जीवन में जागते हैं।